एक और स्टॉक पे जो इस वक्त मेरे सामने आ रहा है और वो है पीवीआर का। अब पीवीआर के लिए जितनी पिटाई हुई है सौरभ, ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन का सबसे बड़ा शिकार तो यही है। और सबसे ज़्यादा, सबसे पहले शुरुआत में जैसे ही पेशेंट बढ़ने शुरू हुए, लोगों ने इसको शॉर्ट करना शुरू कर दिया था। लेकिन 1,000 रुपये का जो राउंड फिगर है वो आमतौर पे बड़ा अच्छा सपोर्ट माना जाता है जब कोई स्टॉक 1,600 1,700 के लेवल से अगर गिर रहा हो। क्या कहेंगे आप, क्या पीवीआर उस रेंज में आ चुका है? क्योंकि आज तो 12% का लॉन्ग बिल्डअप है इसमें। इस पीवीआर अगर आप देखेंगे तो हर बार इसने 1,000 के लेवल से एक अच्छा बाउंस बैक देके ऑलमोस्ट 1,400 के आसपास तक की रैली दी है। पिछले 2-3 बार से इसने यही पैटर्न दर्शाया है। तो आई थिंक रिस्क टू रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव से गिरावट काफी हो चुकी है और लाइक ऑलरेडी सब नेगेटिव फैक्टर्ड इन है। तो 1,000 के स्टॉप लॉस से ट्रेडिंग स्टॉप लॉस से बाइंग पोजिशन बना सकती है। आई थिंक 1,200 से 1,300 के टारगेट देखने मिल सकते हैं। ओके, तो ये कॉल फिलहाल आपके लिए सामने आती हुई और इस वक्त